नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश प्रजापत, रेलवे स्टडी विद योगेश में आपका स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। आज हम एनटीपीसी के बारे में बात करने वाले हैं। एनटीपीसी के बारे में बताऊंगा आपको कि जो भी जीरो लेवल के स्टूडेंट है, जिसने अभी तक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं की है, उससे लेकर आपको एडवांस लेवल तक की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए। साथियों, जिस प्रकार से मैंने स्टार्ट किया था, आज मेरा स्कोर 65-70 के आसपास रह जाता है 100 में से। तो अभी थोड़ी बहुत तैयारी की ज़रूरत है, तो वो कंटिन्यू चल रही है। अभी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में बहुत टाइम है, और जो भी जीरो लेवल का स्टूडेंट है वो अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर सकता है। पहले मैं बुक्स के बारे में आपको बताऊंगा कि आपको बुक्स कौन कौन से परचेज़ करनी चाहिए, किस प्रकार से आपको बुकों को पढ़ना चाहिए, कितने घंटे आपको एक बुक को देना चाहिए, मैथ को कितने घंटे, रीजनिंग, जीके, साइंस, सभी के बारे में हम बात करने वाले। सिस्टमेटिक तरीके से किस प्रकार से आपको नोट्स बनाने चाहिए, किस प्रकार से आपको मॉक देना चाहिए, मॉक में किस प्रकार से आपको टाइम मैनेजमेंट, सब तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। इसी वीडियो में मैंने किस प्रकार से तैयारी स्टार्ट किया, और जो मेरे आज 65-70 नंबर आ रहे हैं वो किस प्रकार से आ रहे हैं, किस प्रकार से मैंने पढ़ाई की, सब आपका जो भी डाउट है, जो भी तैयारी से संबंधित, वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो साथियों, बिना टाइम गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। तो साथियों, चलते करते वीडियो को स्टार्ट। हेलो गाइज, तो मैंने आप सभी को पहले बता ही दिया कि मैं पहले आपको बुक्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो बुक्स, पहले बात मैं मैथ के बुक्स के बारे में आपको बता देता हूँ। ये मैथ की बुक है, फॉर्मूला बुक आदित्य रंजन सर की है। उसके बाद में ये यूथ की बुक है, जो रेलवे में जितने भी पीवाई के क्वेश्चन आ चुके हैं वो इसमें डाले जा चुके हैं। और उसके बाद में मेरे पास एक और बुक है मैथ की, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसके बाद में मेरे पास है राकेश यादव सर की ये बुक मैंने बहुत पहले परचेज़ की थी, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी उस समय ही मैंने ये बुक परचेज़ की थी। तो मैं पहले बुक्स के बारे में आपको किस प्रकार से इन बुकों को पढ़ना है इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। अगर आपने मैथ को अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया और मैथ के बारे में अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, तो पहले आपको मैथ को कोई स्पेशल टीचर, बहुत सारे मार्केट में टीचर अवेलेबल है यूट्यूब पर, तो आप अच्छे तरीके से कोई सी भी प्रश्नावली को पहले कंप्लीट कीजिए। उसके बाद में आप ये फॉर्मूला बुक उठाइए, टीचर ने जो भी प्रश्नावली टीचर से पढ़ी है उसको इस फॉर्मूला बुक में देखिए पहले। उसके बाद में ये देखिए कि इस प्रश्नावली में कितने टाइप है, आपको टीचर ने कितने टाइप पढ़ाई है। ऑफिशियली बात है, टीचर पूरी टाइप आपको पढ़ाता है। और उसके बाद में आप टाइप को अच्छी तरीके से बार बार रिवीजन कीजिए। इसमें फॉर्मूला बुक में एक प्रत्येक टाइप लिखी हुई है, प्रत्येक टाइप का एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ताकि जो टाइप है आपके माइंड में काफ़ी अच्छे तरीके से बैठ जाए। तो मेरे हिसाब से ये बुक भी आपके लिए सफिशिएंट है, बट ये बुक आपको जो कंसेप्ट सीखने में आपकी मदद करेगी, प्रैक्टिस में आपकी बिल्कुल भी मदद ये बुक नहीं करने वाली है। इस बुक की खास बात यह है, आप मैथ की तैयारी करते रहे, उसके बाद में जैसे ही आपका एग्ज़ाम आने वाला है 10 से 15 दिन में आप इस बुक का रिविज़न कर सकते हैं, बट मोटी बुक का आप रिविज़न नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने फॉर्मूला बुक को किस प्रकार से यूज करना है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में मैं बात कर लेते हैं हम यूथ की बुक के, इस बुक के बारे में। ये बुक आपको काफ़ी मोटी दिखाई दे रही होगी, और इस बुक के में रेलवे के जितने भी क्वेश्चन हैं 2018 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके, पूरे क्वेश्चन इसमें हैं। इसमें टोटल मैं आपको बता देता हूँ 16,706 प्लस क्वेश्चन हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 16,000 से आपकी कितनी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, कितने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पहले आप कोई सी भी प्रश्नावली जैसे आपने टीचर से पढ़ी, उसके बाद में फॉर्मूला बुक से आपने उस प्रश्नावली के टाइपों को क्लियर किया, उसके बाद में आप इस बुक से प्रैक्टिस कीजिए। राकेश यादव सर की बुक मैंने पहले ही परचेज़ की थी जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, तो वो भी अच्छी बुक है। इससे भी आप टाइप ही क्लियर कर सकते हैं, प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी आपकी। तो प्रैक्टिस अगर आपको करनी है मैथ की सफिशियंट, तो आप यूथ की बुक ले सकते हैं। किरण की बुक भी आपको मैं बता देता हूँ, किरण की बुक भी आप ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल हैं, बहुत सारी का तो मैं नाम भी नहीं जानता हूं, बट जो मेरे पास है मैं उन्हीं को आपको बता रहा हूं। किरण की बुक भी काफ़ी अच्छी, किरण की बुक भी आप परचेज़ कर सकते हैं। और मैथ को कितने घंटे आपको पढ़ना है इसके बारे में बता देता हूँ। अगर आप जीरो लेवल के स्टूडेंट हैं मैथ में, बिल्कुल भी आपके जो 25 में से 2-3 नंबर, 4-5 नंबर आ रहे हैं, तो आप जीरो लेवल लेकर चल सकते हैं। तो मैथ को आपको मिनिमम 1.5 घंटे से 2 घंटे आपको मॉर्निंग में देने हैं, और 1.5 घंटे से 2 घंटे आपको शाम को या फिर रात में आपको देने हैं।
क्योंकि एक एक वीडियो आप अच्छे तरीके से सुबह देख लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, एक वीडियो आप शाम को देख लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। इस प्रकार से मैथ आपको पढ़ेंगे तो आपकी सफिशियंट है, 5 से 6 महीने में मैथ काफ़ी अच्छे तरीके से कवर हो जाएगी और 25 में से आपके 22, 23, 24, 25 नंबर आने लग जाएंगे, गारंटी दे रहा हूँ मैं, अगर आप इस प्रकार से पढ़ते हैं। मैंने खुद ने भी मैथ को इसी प्रकार से कवर किया है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं साइंस की बुक्स के बारे में। साइंस की बुक मैं आपको बता देता हूँ, मैंने साइंस की बुक, ये यूथ की बुक परचेज़ की है। ये आपको देखने में छोटी लग रही है क्योंकि ये इतनी ऑफिशियली बात है, ये इतनी मोटी बुक है, बट मैंने इसको 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया था क्योंकि फटने का डर था। तो इसमें ओनली फॉर फिजिक्स है और इसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। और इस बुक के मैं आपको पढ़ने का तरीका बता देता हूँ मैं किस प्रकार से पढ़ता हूँ। तो साथियों जितने भी पेज आपको याद होते हैं, आप लाइक जैसे 2 पेज याद कर सकते हैं, 4 पेज याद कर सकते हैं, 5 पेज याद कर सकते हैं, तो आप उतने पेज याद कीजिए। उसके बाद में आपने अच्छे तरीके से उन पेजों को मॉर्निंग में पढ़ लिया, आपके पास मॉर्निंग में अगर टाइम बच रहा है तो आप मॉर्निंग में पढ़ सकते हैं। उसके बाद में शाम को आप इनका एक बार रिविज़न कर लीजिए, रीडिंग कर लीजिए। उसके बाद में जैसे आप नेक्स्ट डे पढ़े तो पहले आप 5 पेजों का रिवीजन कीजिए, उसके बाद में अगले 5 पेज पढ़िए। आप 5 पेज, 7 पेज, 10 पेज, 15 पेज आप जितनी आपकी कैपेसिटी है उतने आप पढ़ सकते हैं। बट मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, आपको इस प्रकार से पढ़ना है कि आप पीछे के पेजों को आप भूल लेना। मिनिमम बता रहा हूँ, आप जैसे 5 पेज आपने पढ़े तो उसमें मिनिमम 4 पेज तो आपको याद होने ज़रूरी है। फिर भी एक दो पाँच क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक बार में याद नहीं हो पाते, तो कोई बात नहीं, वो बार बार आप रिवीजन करेंगे उससे याद हो जाएंगे। बट आप इतने ही पेज पढ़िए जितने आपको याद रह सके, क्योंकि आप एक दिन में 30 पेज पढ़ देंगे तो वो आपको याद नहीं रहेंगे। आपको काफ़ी अच्छे तरीके से याद करनी है, आपको रीडिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी, पहले आपको याद करना है, उसके बाद में जो चीज़ आपको याद है फिर उसकी रीडिंग करते रहिए। तो इस प्रकार से आपको साइंस को पढ़ना है, मैंने खुद इस प्रकार से मैं कवर कर रहा हूँ। साइंस को मैंने 2018 में जब मैंने 10वीं पास की थी, उसके बाद में 11th में मैं साइंस में थी, बट इतना साइंस में जो मेरी कैपेसिटी वो इतनी नहीं हो पाई थी, तो मैंने फिर साइंस मैथ को त्याग दिया था। उसके बाद में फिर साइंस को मैं अब पढ़ रहा हूँ, मेरे को 5 से 6 साल हो गए साइंस को पढ़े और मैं इसी प्रकार से साइंस पढ़ रहा हूँ। काफ़ी अच्छा स्कोर अब मेरा रह जाता है, 25 में से 12, 13, 14, 15 स्कोर, अब आज जो मुक दिया था मैंने उसमें 25 में से 16 स्कोर आ गया था, तो धीरे धीरे स्कोर बढ़ जाएगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद में हम जीके के बारे में बात कर लेते हैं। जीके की एक बुक है यूथ की, मैंने यूथ की इस वजह से परचेज़ की है क्योंकि यूथ की बुक है, जो रेलवे के जितने भी प्रोविशनल क्वेश्चन हैं वो यूथ की बुक में आपको काफ़ी अच्छे तरीके से और डिटेल वाइज मिल जाएंगे। और इस बुक की एक खास बात यही है कि आपको जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई देगा, उसके बाद में नीचे आपको उस क्वेश्चन की डिटेल दिखाई देगी, और इस डिटेल से फ़र्क पड़ता है कि जैसे आपने कोई नया क्वेश्चन देखा तो आपको नया क्वेश्चन वैसे तो याद होगा नहीं, और डिटेल के साथ आप पढ़ेंगे तो नया क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो इस प्रकार से यूथ की बुक साइंस की भी ऐसी ही है सेम फॉर्मेट में, और जीके की भी ऐसी है सेम फॉर्मेट में। तो इस वजह से मैंने जीके की यूथ की बुक परचेज़ की जीके के लिए। इससे पहले मैंने पिनेकल की बुक परचेज़ की थी, जो मैंने दिल्ली पुलिस की तैयारी की थी, उसमें मैंने पिनेकल प्लस लूसेंट को पढ़ा था। और मैं लूसेंट बुक भी आपको बता देता हूँ, ये मेरी लूसेंट की बुक है और आप ये देख सकते हैं, मैंने इसको काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, आप अंडरलाइन देख सकते हैं इसमें। तो इस बुक को भी आप परचेज़ कर सकते हैं, इससे आपका बेसिक काफ़ी बेहतरीन तरीके से हो जाएगा, इस बात की गारंटी मेरी है। जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी और जीके पढ़ना स्टार्ट किया था, मैंने सबसे पहले लूसेंट को पढ़ा था, जिससे मेरा बेसिक काफ़ी अच्छे तरीके से हो गया था। जो भी चैप्टर है जीके के, जैसे मौर्य साम्राज्य हो गया, उसके बाद में कोई प्रत्यार साम्राज्य हो गया, कुषाण साम्राज्य हो गया, किस प्रकार से राजा आए, किस प्रकार से उन्होंने शासन किया, और जैसे पॉलिटिकल हो गया, पॉलिटिकल में सिस्टमेटिक तरीके से हैं, उसी प्रकार से आपको ज्योग्राफी में काफ़ी अच्छे तरीके से आपको बेसिक क्लियर अगर आपको करना है तो आप लूसेंट बुक को पढ़ सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो यूथ से भी आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें भी काफ़ी अच्छी बुक है और इसमें भी सीरियल वाइज दे रखा है, तो आप इससे भी काफ़ी अच्छे तरीके से जीके पढ़ सकते हैं। और जीके को आपको मैं एक बात बता देता हूँ, जीके को आपको ज़्यादा टारगेट बिल्कुल भी नहीं करना है। आप NTPC की भले तैयारी कर रहे हैं, बट जीके को आप ज़्यादा टाइम मत दीजिए, 3 से 4 घंटे, इतना टाइम बिल्कुल भी आप जीके को मत दीजिए, 1 से 1.5 घंटे जीके को दीजिए, बस इतना ही। क्योंकि जीके में एवरेज स्कोर ही स्टूडेंट कर पाते हैं, इस एवरेज स्कोर से ज़्यादा आपसे जीके में नहीं हो पाएगा, क्योंकि जीके का अथाह भंडार है, जीके में आप कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जीके को आप इतना टारगेट मत कीजिए, आप मैथ, रीजनिंग और साइंस इनको काफ़ी अच्छे तरीके से फोकस कीजिए, क्योंकि इनमें स्कोर कर सकते हैं आप, इस वजह से आप इनको काफ़ी
काफ़ी अच्छे तरीके से टारगेट कीजिए कि इनमें तो नंबर नहीं कटे, जीके में जितने भी कट सकते हैं कटेंगे, और आप अच्छे तरीके से अगर आप जीके को भी कवर कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट जीके को मेरे हिसाब से ज़्यादा टाइम आपको देने की ज़रूरत नहीं है, आप साइंस को 2 घंटे दे सकते हैं, मैथ को आप 3 से 4 घंटे दे सकते हैं। अगर आप बेसिक स्टूडेंट हैं और बिल्कुल भी आप नहीं जानते किसी भी चीज़ के बारे में, और उसके बाद में हम रीजनिंग के बारे में बात कर लेते हैं, तो रीजनिंग में आप ऑफिशियली बात, रीजनिंग बहुत सिंपल आती है, मुझे तो बहुत सिंपल लगती है, और मैंने पर्सनल ना तो इसकी कोई बुक परचेज की है और ना ही मैंने कोई पर्सनल टीचर से रीजनिंग को पढ़ा है। मैं जैसे ही टेक्स्ट बुक पर मॉक देता हूँ उसके बाद में धीरे धीरे रीजनिंग तो धीरे धीरे कवर हो चुकी है मेरी, रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं, रीजनिंग में मेरे 25 में से 22-23 के स्कोर के आसपास रह जाता है। 1-2 क्वेश्चन जो गलती से गलत हो जाते हैं या फिर कोई क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आता तो वो अलग बात है, बट अच्छा स्कोर मुझे लगता है रीजनिंग में मेरा हो जाता है। तो आप रीजनिंग को तो कैसे भी करके कवर कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए आप पर्सनल बुक परचेज मत कीजिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि रीजनिंग बहुत इजी सब्जेक्ट है, और अगर आपकी रीजनिंग बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है तो आप रीजनिंग की बुक परचेज कर सकते हैं, उसमें कोई दोहरा वाली बात नहीं है। रीजनिंग एक सिंपल सब्जेक्ट है तो हर किसी स्टूडेंट के समझ में आ जाए ऐसी कोई बात नहीं है, बट अगर आपके समझ में नहीं आ रही तो आप बुक परचेज कर सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से। बट मेरे हिसाब से आपको रीजनिंग की ज़्यादा महंगी वाली बुक भी आपको परचेज नहीं करनी है, आप 200-200 रुपये की जो थोड़ी बहुत टाइप आती है वो आप बुक परचेज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से रीजनिंग में काफ़ी अच्छा स्कोर आप वो बुक से आप कर सकते हैं, आप मॉक देते रहेंगे तो काफ़ी अच्छा स्कोर आप करेंगे। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं सेकंड टॉपिक मॉक के बारे में। तो साथियों मॉक आपको देना चाहिए और डेफिनेटली आपको देना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं मॉक एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका स्कोर बढ़ता है, और मॉक में आपको मॉक देने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि आप जितना आपको टाइम मिलता है उसमें जितने क्वेश्चन मिलते हैं वो क्वेश्चन ईजिली नहीं हो पाते एग्ज़ाम में। आपको 60 मिनट में जैसे LPM 75 क्वेश्चन मिलेंगे तो वो डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ आप 60 मिनट में 75 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए आपको पहले प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, और प्रैक्टिस होगी आपके मॉक से। मॉक आपने जैसे दे लिया उसके बाद में आप देखिए कि कौन से क्वेश्चन आपके गलत निकले, कौन से टॉपिक पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और कौन सा टॉपिक है जो आपसे आता ही नहीं है उसके क्वेश्चन आपने स्किप किए, तो फिर उसको बाद में आप एक नोटबुक लीजिए और नोटबुक में उन क्वेश्चनों को उतार लीजिए। इस प्रकार से भी आपको नोट्स बनाने हैं, मैंने आपको नोट्स, और फिर उसके बाद में आप जो आपने नोट्स बनाए उनका फिर अच्छे तरीके से एनालिसिस कीजिए। आप जैसे मॉक देंगे आपको कोई बुक में कोई अच्छा क्वेश्चन मिला तो आपने तुरंत उसको नोटबुक में लिख लिया, टेक्स्ट बुक में कोई अच्छा क्वेश्चन मिला टेक्स्ट बुक का जैसे आप एनालिसिस करेंगे उसका नोटबुक में लिख लेंगे, नोटबुक का आप बार बार डेली आधा एक घंटे रिविज़न करेंगे तो डेफिनेटली आपको नए क्वेश्चन और जो किताब के क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे तरीके से याद होने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स आपको पर्सनल कोई ऐसे टॉपिक के नहीं है, जैसे आपने कोई टॉपिक आप किताब से पढ़ लीजिए, आपको किताब में डेफिनेटली पूरे टॉपिक मिल जाएंगे, तो आप किताब से टॉपिक को पढ़िए, और कोई जो नया क्वेश्चन है वो नया लगे आपको तो या तो आप उसको किताब में उतार दीजिए या फिर अलग से नोटबुक में उतार लीजिए। इस प्रकार से आपको नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि नोट्स ऐसे नहीं सिंपल चीज़ें आपने उतार ली, हार्ड चीज़ें भी आपने उतार ली, नोट्स में वो चीज़ें उतारो जो आपके समझ में नहीं आती और आपने लाइफ में पढ़ी नहीं है, तो ऐसी चीज़ें अगर आप नोट्स में उतारेंगे तो इससे आपका स्कोर इंक्रीज होगा, ऐसे फालतू चीज़ें उतारने से नहीं होगा। तो नोट्स भी बनाने का तरीका आपको मैंने इसी प्रकार बता दिया, और इसी प्रकार से आपको नोट्स बनाने चाहिए। नोट्स आप जैसे इस प्रकार से नोट्स बनाएंगे बार बार रिवीजन करेंगे, और मैं आपको एक लाइन और बता देता हूँ काफ़ी बेहतरीन लाइन है। तो साथियों आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है, ये नहीं कि जो मैंने आपको बताई है वो बुक ही आप परचेज़ करें क्योंकि इनसे ही अच्छी तैयारी होगी, नहीं, जो भी बुक आपके पास है मैथ की, रीजनिंग की, जीके की, साइंस की, आप जो भी बुक आपके पास हैं, प्रत्येक स्टूडेंट के पास बुक होती हैं, तो आप उन्हीं बुकों को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, गारंटी देता हूं मैं आपको, ये मैंने बुक बताई है, इनको भी परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने कभी परचेज़ नहीं किया तो फिर आप इनको परचेज़ कर सकते हैं, बट अगर आपके पास पहले से बुक है तो फिर आप किसी भी बुक को परचेज़ मत कीजिए। कोई टीचर बोल रहे हो, कोई स्टूडेंट बोल रहे हो, या फिर मैं बोल रहा हूँ, कोई भी बोल रहा है आपसे कि आप ये बुक परचेज़ कर लीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। आप पहले वो जो आपके पास बुक है उसको अच्छे तरीके से पढ़िए, उसके बाद में फिर आप सोच सकते हैं कि दूसरी बुक मुझे परचेज़ करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैं डेफिनेटली बोलता हूँ किताब आप कोई सी भी किताब देख सकते हैं, उसमें प्रत्येक टॉपिक जो आपको जो एक किताब में मिलेगा वही दूसरी किताब में मिलेगा। एक क्वेश्चन इस किताब में कम होगा, एक क्वेश्चन उस किताब में ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा क्वेश्चन है तो वो बुक आपके लिए अच्छी है, नहीं, आप कम से कम चीज़ों को याद करेंगे तो भी आप अच्छा स्कोर एग्ज़ाम में कर पाएंगे। बट आपके पास उस एग्ज़ाम में स्कोर करने के लिए उस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और मैथ की मैं आपको बता देता हूँ, मैथ में हमेशा प्रोविजनल क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए, बट मेरे हिसाब से आप जीके, मैथ, साइंस आप सभी में प्रोविजनल क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस कीजिए,
क्योंकि अदरवाइज क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में फंसा सकते हैं, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 80% वेटेज है प्रीवियस ईयर का, वो 80% एग्जाम में आता है। तो साथियों, मैंने सब चीज़ें जो आपके बता दी, और जो भी बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास कॉल करते हैं, मैसेज भी करते हैं, कमेंट करते हैं कि किस प्रकार से हमें करना चाहिए। तो साथियों, अगर आप इस वीडियो के माध्यम से अगर आप कुछ नहीं सीख पाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप बाकी अदर टीचरों की वीडियो देखना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए, क्योंकि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ये चीज़ बताई है। और ये वीडियो भले लंबी हुई, बहुत लंबी हो चुकी है, बट अब वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आपका अदर डाउट, अगर कोई सा भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिए, मैं आपकी नई वीडियो के साथ मैं क्लियर कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ साथी आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।